छत्तीसगढ़ की सियासत की करते हैं, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। बीजेपी के बहुत से ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं और बस समय का इंतजार करिए, बीजेपी में एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, बस आप इंतजार करिए क्योंकि बीजेपी में जल्द ही एक बड़ा विस्फोट होने जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऊहापोह की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में के संपर्क में है और कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। समय का इंतजार कीजिए, एक बड़ा विस्फोटक भारतीय जनता पार्टी में होने वाला है। इसी महीना से हम लोग विधानसभाओं में संकल्प शिविर ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं, उससे पहले। तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को आपने सुना, एक बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेता जो कांग्रेस में आने को इच्छुक हैं और जल्द ही एक बड़ा विस्फोट होगा जो आप भी देखेंगे कि कांग्रेस में बहुत से बड़े नेता अब शामिल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की ओर से, यह बड़ा दावा किया गया है। इसके पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने ये बात कही थी कि बीजेपी के बड़े नेता जो कांग्रेस में आने के इच्छुक हैं, और अब ये बात पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की ओर से छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए कही गई है। देखना होगा कि कौन से ऐसे नेता हैं और कितना बड़ा झटका कांग्रेस ने तैयारी कर ली है बीजेपी को देने की, लेकिन फिलहाल एक बड़ा दावा मोहन मरकाम की ओर से किया गया है कि बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, बहुतेरे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। कुलेश्वर का हम रुक करते हैं, रायपुर से इस वक्त लाइव जुड़े हुए कुलेश्वर, एक बड़ा दावा मोहन मरकाम की ओर से किया गया है। देखिए बिल्कुल, चुनावी साल और जिस तरह से बीजेपी के एक बड़े लीडर्स नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थामा, इसके बाद से ही लगातार बीजेपी और कांग्रेस के नेता ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि हमारे संपर्क में एक दूसरे के नेता है। लेकिन पीसीसी चीफ मोहन मरकाम है, प्रदेश अध्यक्ष, निश्चित तौर पर जब वो दावा किए तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ बात होगा। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी के बड़े नेता, छोटे मोटे नेता नहीं, बीजेपी के बड़े नेता जो है कांग्रेस पार्टी के संपर्क में, और समय का इंतजार करिए, बीजेपी के अंदर एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है बड़ी बहुमत के यहाँ साथ है, और जिस तरह से नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थामा है, इससे यही प्रतीत होता है कि बहुत से नेता अभी और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि मोहन मरकाम ने यह भी कहा है कि कई नेता हमारे कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन समय का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बड़ा विस्फोट होगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर गुटबाजी हावी और उससे परेशान होकर अब जो बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो कांग्रेस का दामन थामने वाले। हालांकि इस बयान में कितनी सच्चाई तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पे मोहन मरकाम के इस बयान से बीजेपी की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कुलेश्वर जानकारी के लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि एक बड़ा दावा, एक बड़ा बयान मोहन मरकाम ने दिया है, और उनके इस बयान के बाद बीजेपी की बेचैनी जरूर बढ़ गई होगी।